देखो मैं आज आपको सिंगल सा फंदे डालना सिखा रही हूँ, ठीक है। ये फंदा समझ गए आगे, जैसे अपन जनरल फंदा लेते हैं ना, इस तरह से हमने एक फंदे लिए, ठीक है। इस फंदा को हमने इसमें डाल दिया, समझ आ गई बात, ठीक है। अब ये दो दो चीज़ें हैं, है ना। इसको एक हाथ से पकड़ो, इसको एक हाथ से पकड़ो, ये डाला और इसको ऐसे डाला, आगे समझ में। और फिर इसको ऐसे निकाल दिया। दो धागे हैं ना, एक छोटा धागा है एक बड़ा धागा है, ठीक है। अब ये देखो, इस धागे से उंगली पर, हमने इस उंगली पर लिया, यूं किया, दिख रहा है, और फिर इसको ऐसे लिया और इसे निकाल दिया। इस तरह से आपको फंदे बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ, ईजी है। करना क्या, चार हो गए, ये देखो आ रहा है समझ में। फंदा लिया, इसके ऊपर सिलाई के ऊपर, और फिर ये कोई सा भी तुम बनाओ, सबसे पहले फंदा ही बनाना पड़ता है। सिंपल फंदे आप बनाओ इस तरह से, ठीक है। ये देखो, ये मान लो हमने सॉक्स बनाना है, जब हमें सॉक्स बनाना है तो हमें चाहिए 41 फंदे। अगर 5 नंबर के लिए हमारे पैर छोटे हैं तो हम 41 फंदे डालेंगे, और अगर आपके पैर बड़े हैं तो आप 45 फंदे डाल सकते हो, जिसको 6 नंबर की, 5 या 6 नंबर का जिसको जूते चप्पल आते हैं ना, उनके लिए। तो ये मैं सॉक्स के लिए फंदे डाल रही हूँ, ये देखो, आगे समझ में। आप देखो क्या किया हमने, इस धागे को लिया, इस उंगली पर लपेटा, फंदा इसके ऊपर फंसाया, और इस उंगली से हमने फिर इस फंदे को लपेट लिया और यहाँ फंदे से इसको गिरा दिया। ये देखो, दिख रहा है आपको, आराम से हो जाएगा ये। बहुत सिंपल तरीका है इस तरह से फंदा बनाने के लिए। कुछ भी बुनाई करोगे आप, मफलर बनाओ, पहले स्वेटर बनाओ या पुलोवर बनाओ, छोटे बच्चे का ड्रेस बनाओ, पहले तो फंदा आपको डालना ही पड़ेगा। फंदा डालने का ये सबसे सरल तरीका है। देखना, अब देख लेते गिन के कितने फंदे हो गए, हमारे काम के होंगे तो नहीं बनाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 और ये हो गया तुम्हारा फंदा 40, है ना, फिर 41, 42 और 43। एक फंदा और चाहो तो डाल लो, 44 फंदे का हमने ये डाला है। हमें सॉक्स बनाना है, सॉक्स कैसा बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं सॉक्स। तो आप ये देखो, ये इसको हमने बांध दिया, ठीक है। अब हम लेते हैं इसकी दूसरी सिलाई। पहला सिलाई में हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, उल्टा उल्टे फंदे। आप देखो, सबसे पहले धागे को हमने, है ना, ये अपनी तरफ लिया, और जो बड़ा धागा है उससे हमको बुनना है, छोटे धागे से नहीं, बड़े धागे से। ये बड़ा धागा है, ये देखो ऐसे किया, यूँ निकाला, उल्टे सिलाई हो गई ये, फिर ऐसे। तो हमें चार, कम से कम 3 सिलाई हमें उल्टी ही बुनना है। ये देखो, ये आ रहा है आपको समझ में। हमने क्या किया, ये लिया सीधा, ठीक है, अपनी तरफ लगाया कांटे को, और ये
यो इसके ऊपर फंसाया कर सलाई पर, सलाई पर फंसाने के बाद अंगूठे से हमने इसको दबाया, ये फंदे निकाल लिए, फंदे हो गए बाहर। जैसे फंदे बाहर हो गए हमने इस फंदे को गिरा दिया। इसी तरह से हम अभी यहाँ भी करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये देखो, सेम प्रोसेस हम पूरा दोहराएंगे यहाँ तक। पूरी लाइन हम इसी तरह से उल्टे बुनते चले जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, आप ये देखो। समझ आए बेटा? यस मैम। समझ आ रहा है ना? बस अपनी तरफ इसको डालना है, फंदा चढ़ाना है, इसको निकालना है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, हमने बनाए हैं सॉक्स। इसी सॉक्स का हम इस पर बनाना सिखा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगी। अभी तो उल्टा और सीधा फंदा डालना सीख लो। ये देखो, ये सॉक्स जो बनाते हैं, हम आपको बता रहे हैं, आपको ये देख दिख रहा है आपको सॉक्स, है ना? ये हमने अंगूठे वाली सॉक्स बनाई है, 41 फंदे का है, 41 फंदे का है। यहाँ यहाँ पर ये दिख रहा है आपका एड़ी वाला पोर्शन, और ये अंगूठा आपका आ रहा है, देख लो आप आराम से, है ना? सॉक्स अंगूठे वाला, ऐसा ही सॉक्स हम इस कलर से बना रहे हैं, है ना? ये सॉक्स आपको दिख रहा है, इसी तरह का सॉक्स बनाएंगे। आप कहो तो मैं पहन के भी बता देती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ बाद में पहन के बताऊँगी। पहले तो आप देख लो, मैंने इस तरह से उल्टा इसको बुनना शुरू किया है, ये ठीक है। ये आपके 44 फंदे के हैं, और चार से जिनके पैर बड़े हैं, पांच से, है ना, पांच नंबर वाले के, छह नंबर वाले के लिए ये सॉक्स मैं बनाना आपको सिखा रही हूं। तो आप ये देखते जाओ, ठीक है, हो गया समझ में? अभी इधर की ओर हम जब बुनेंगे ना, तो हम लेंगे इसको सीधा। सीधा लेने के लिए आप ये जो ये वाली चीज़ देख रहे हो ना, धारियाँ, पांच की धारियाँ आ रही है ना, आपको दिख रहा है, ये पांच की धारियाँ बनाने के लिए हमने पांच फंदे उल्टे लेने हैं। ये देखो उल्टा, पहला फंदा ऐसे गिराएंगे और फिर इसको उल्टा, जैसे भी हमने बुना था ना, ये लिया ऐसे और इसको गिरा दिया, दो तीन चार और पाँच। इसके बाद हमने धागे को उल्टी तरफ ले लिया, धागे को हमने बदल दिया, ऐसे धागा बदल दिया। अब देखो सीधा की तरफ बुनाई कर रहे हैं, सीधे चेन की तरफ, तो हमने इस तरह से लिया और ये कांटे पर फंसाया, इस उंगली से, इंडेक्स उंगली से, है ना, अंगूठे के बगल वाली उंगली से इसको दबाया, इस तरह से निकाल लिया, चेन बन गया। ये इस तरह से देखो मैं बना रही हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल है। बुनाई का ये दो टाँके जो है ना आपको आने चाहिए, एक सीधा और एक उल्टा। तो अभी जो बिन रहे हैं वो सीधा है, पहले जो बुने थे ये उल्टा है, ये वाली पोर्शन हमारा उल्टी उल्टा है, दिख रहा है आपको, ये उल्टा है, और ये जो आ रही है हमारा वो सीधा है। अभी मैं सीधा बुन रही हूँ, ये लो ऐसे बुन रही हूँ, तो उल्टी और सीधे की बुनाई। कोई सा भी स्वेटर बुनोगे, ये दो आपको सिंपल जो होते हैं, उल्टा बुनाई, सीधा बुनाई और धागा, ये आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखो,
फिर ये पांच हमारी सिलाई रहेगी ना, एक पांच फंदे को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। इसके लिए धागा हमने अपनी तरफ किया और फिर इसको उल्टा बुनेंगे। चार और दोबारा पांचवा, अब पीछे की तरफ आएगा सब, पूरी सिलाई हम उल्टा ही बुनेंगे। ठीक है, समझ आई? ये देख, उल्टा के लिए हम क्या किया, पहला फंदा ऐसे गिरा लेंगे ताकि टाइट रहेगा और फिर ये इसको उल्टे उल्टे बुनते चले जाएंगे। ये देखो, ये लिया, यहाँ से लिया, सीधे पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। आपको दिख रहा है, आराम से आप बुन लोगे, आप उल्टा और सीधा। फिर मैं आपको अगली सिलाई में बताती हूँ, है ना। आगे समझ में? अब हम इधर से, ये फिर आ गई हमारी सीधी सिलाई। सीधी सिलाई करने के लिए हमने फिर पहले पांच जो फंदे हैं, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक, और फिर उसको उल्टा बुनेंगे, 2 3 4 5। ठीक है, हमने कर लिया ये थोड़ा सा आपको, ठीक है। और ये देखो, सीधा बुनना शुरू कर देंगे। सीधे के लिए हमने सिलाई इधर घुसाई, ये फंदा लिया, इधर से निकाल दिया, सीधे सीधे पूरी सिलाई हम सीधे बुनेंगे, लास्ट का पांच छोड़ के। इस तरह से हमें 18 धारियां भी बुननी है एक बार। तो धारी मतलब यहाँ से लेकर के हमें यहाँ तक ये गिनना पड़ेगा। देखो कितनी धारी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 तक तो हम सिलाई करेंगे, तो यहाँ तक तो ये हो गया। फिर हो गया तुम्हारा 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 और 36। 36 दूनी कितना हो गया, 72 ना। तो आपको अपने पैर की लंबाई नाप लेना है ना, यहाँ तक आपको इसी तरह से बुनना है जैसा मैंने अभी आपको बुनना सिखाया है ना, यहाँ तक पूरे आपको गिनोगे ना तो इतनी दूर तक आपको इंची टेप टेप से भी नाप के देख सकते हो, तो ये करीब 9 से देखो आप, एक बित्ता मतलब 7 8 इंच तो आराम से होगा, इतने आपको बुनने हैं। तो अभी तो हमारा शुरुआत ही हुआ है, वापस लास्ट के हो गए आपके 5 स्टिचे छोड़ना है, 3 और 2 5। 5 में आपको फिर धागे
अपनी तरफ करने हैं और फिर इसको उल्टा बुनना है। देखो उल्टी बुनाई करनी है, एक दो तीन चार और ये पाँच, और उल्टी तरफ में आपको पूरी की पूरी पूरी सिलाई आपको उल्टी बुननी है, पूरी सिलाई आपको उल्टी बुननी है। इस तरह से पूरी सिलाई सिलाई आप उल्टी बुनते चले जाओ, कंप्लीट सिलाई। देखिए आपको इस तरह की आपकी सिलाई उल्टी जाते जा रही है। और ये हो गया आपका। अब इस सिलाई को पहला फंदा उतारेंगे, चार फंदे उल्टे बुन लेंगे, वही वाली सेम चीज़। पहला फंदा उतार लिया और चार, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच फंदे आप उल्टे बुन गए है ना। और बाकी को फिर इसी तरह से हम सीधा बुनते चले जाएंगे। तो ये आपको पूरी इसी तरह से आपको करीब 6-7 इंच तक बुनना है ना। अभी तो आपके 1, 2, 3, 4, 5 ही सिलाई हुई है ना। पूरा लंबा बुनना है, लंबा बुनते चले जाएं इसी तरह से सीधे सीधे। जब यहाँ तक पूरा लंबा बुन जाएगा तब अंगूठा के लिए हम कट करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ये सिलाई, इस तरह से बन के आप तैयार हो जाएंगे। दिख रहा है आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी तो अभी अब मैं बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स और बताती हूँ, तब तक मैं बुन करके आपको बताऊंगी, रख देती हूँ।